ऐसे इंसान भी आ जाते हैं, देखते दे बाहर कोई इंतजाम तो है नहीं जोड़िया का, कहते पता की करते घरों पुरानिया जुत्तियां पाके आए तो नवीं जुत्तियां फिट कीतियां घर चले जाते। वैसे जोड़े बचन हैं ये भगत ग्वाल जी के हैं। भगत ग्वाल जी कहते एक गल का ध्यान रखना, जेड़े गुरु के दर से आके भी जुत्तियां चक के जाता कहते मेरे रब की दरगाह च उन्होंने मुंह से जुत्तियां ही पैणगियां, होर कुछ भी नहीं होगा। तो इस वास्ते साथियों कर्मां की भूमि है, मैं बेनती करा इस कर्मां की भूमि च जो बोवांगे वह सानू कटना पवेगा। सिखा तेरियां अखां ने कुछ देखिया तो ध्यान रख लेना कर्म हो गया, तेरी रसना तो एक भी लफ्ज निकलिया तो कर्म हो गया, तेरे हाथ ने कुछ भी किया तो कर्म हो गया, तेरा एक भी कदम चलिया तो कर्म हो गया। सत्संगियों इन्हां कर्मां तो बड़ा सुचेत रहना, नर अचेत पाप ते डर रहे। गुरु साहब कहते जेड़े अचनचेत ते तो पाप हो रहे हैं, जेड़े तू करना नहीं चाह रहे पर हो रहे हैं ते तो, कहते इन्हां तो भी तू बच के रह। ते सत्संगी जनों मैं बेनती करा फिर कुछ इंसान ऐसे हैं जेड़े चलते हैं, जिमें कल कथा खत्म की सी कि चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत। हुण एक गाथा कह के मैं समाप्ति कर देवा। सतवें पातशाह जदों गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह का इतिहास पढ़ो ना, उन्हां दे एक बड़ा प्यारा जा सिख होया। गुरु सतवें पातशाह दे भगत दी गाथा आंदी है कि जिला लाहौर दे अंदर एक पिंड है अंबमाड़ी। अंबमाड़ी पिंड दे विच बिने जी दे घर उपल खत्रियां दे घर दे विच एक बच्चे ने जन्म लिया। मां बाप ने उन्हां दा नाम संगत रख दिता। कहिंदे जदों उसका नाम संगत रखिया ना तो कहिंदे थोड़ा वड्डा होया, थोड़ा वड्डा होया, 15-16 साल का होया ना तो मां बाप ने कम धंधे वास्ते ला दिता। तो कम धंधा यह लगा दिता कि तू फेरी लगानी है, फेरी के फेरी लगा के समान बेचना है जिहड़ा घरां च चाहिदा है। कहिंदे जदों 16-17 साल का वह नौजवान बच्चा फेरी लगांदा ना तो फेरी लगांदे लगांदे उहदे कन्नां च गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दे दर घर की उपमा पई। सत्संगी जनों उन्हूं पता चलिया कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की गद्दी के उपर इस वक्त सतवें पातशाह मौजूद हैं। उसका मन किया कि चलो उन्होंने दर्शन तो करके आईए। तो कहिंदे एक बारी संघ चलिया, उस संगत नौजवान बच्चा कहिंदे उस संघ दे नाल कीर्तपुर साहब चला गया। संगत विच गया, सतवें पातशाह नूं मत्था टेकिया, मत्था टेकिया गुरु साहब ने सहज विच पुछया भी तू कित्थों आया है। कहिंदा जी मैं लाहौर जिले चों आया, नाम की है संगत है। कहिंदे कम की करया करदा, कहिंदा जी फेरी लगांदा हां। गुरु साहब कहिंदे चल थोड़ा सत्संग भी करया कर, थोड़ी सेवा भी करया कर। कहिंदे जदों उह सेवा करदा सी ना उन्हां दिनां दे विच ही सतवें पातशाह दे कोल भाई भगतू जी आए। भाई भगतू जी जिहड़े कि चौथे पातशाह दे बचनां दे नाल भाई आदम दे घर दे विच सत्संगी जनों 60-65 साल दी उम्र दे विच भाई आदम जी ने भी लंगर दी सेवा कीती सी। ते जदों चौथे पातशाह कोल बेनती कीती, चौथे पातशाह ने यह कह दिता सी भाई आदम रब ने तां तेरे कर्मां च नहीं लिखिया, पर एक गल दा ध्यान रखी कि तू गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दीआं संगतां नूं सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहण लगे भाई आदम तू गुरु नानक दीआं संगतां नूं खुश कीता, इस वास्ते असी तेरे ते प्रसन्न हाँ, रब ने तां तेरे कर्म च नहीं लिखिया। हुण साडे घर चार बेटे पैदा होने सन, एक असी तैनू दिंदे हां, हुण साडे तीन होणगे। गुरु पातशाह ने यह बख्शिश कीती, इस दा नाम भाई भगतू रखी। तो सतवें पातशाह दे वक्त भाई भगत जी बजुर्ग हो गए, उन्होंने भी आके आख्या सच्चे पातशाह कोई सेवा बख्श दिओ। सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह कहिंदे कहिंदे भगतू जिहड़े खेतां दे विच संगतां कम करदियां हन ना ते कुछ कामे भी हन जिहड़े दिहाड़ी ते हन, कहिंदे तू उन्हां दी देख रेख करिया कर। कहिंदे भाई भगतू जी कहिंदे सब संगतां नूं लैंदे खेतां दे विच कम करन वास्ते लै जांदे। कहिंदे एक दिन दुपहर दा टाइम सी जदों भाई भगतू जी लंगर वरता रहे सन ना, लंगर फुलके वरतान तो बाद प्रशादे वरतान तो बाद पता की होया सत्संगी जनों, कहिंदे उस तो बाद भाई भगतू जी सब नूं घिओ पा रहे सन। कहिंदे जदों घिओ पाया, घिओ थोड़ा सीगा थोड़ा थोड़ा पा दिता, संगत दे विच्चों एक प्रेमी ने कह दिता भाई भगतू जी कम तो बड़ा कस कस के लेंदे हो, सानू बड़ी ताकत लगानी पैंदी है, ते घिओ तुसीं थोड़ा थोड़ा पा देंदे हो, घिओ भी ज्यादा पा दिया करो ना। कहिंदे भाई भगतू जी उदों ही खड़े हुए आसे पासे देखिया
कि कोई घ्यो वाला होवे। कहिंदे उदो उस संगत नौजवान बच्चा फिर फेरी लगाने वास्ते निकलिया होया सीगा। कहिंदे भाई भगतू जी ने उसनों आवाज मारी कि संगत उरे आ। वह आया, पुछे तेरे कोल घ्यो है? वह कहिंदा जी है। कहिंदे इस तरह कर, एक एक कूपी ना सारिया संगतों नूं कहिंदे घ्यो पा दे। कहिंदे उन्हें सत बचन कह के सब नूं एक एक कूपी घ्यो पा दिता। घ्यो पाण तों बाद हुण भाई भगतू जी वल वेखदा कि मैनूं पैसे मिलण। भाई भगतू जी कहिंदे कल इस तरह करी, जदों गुरु साहब संगत नूं मिलदे हन ना उत्थे आ जाई, गुरु साहब तों तैनूं भेटा पैसे दवा देंगे। कहिंदा जी सत बचन, पर सत्संगे नूं इतिहास कहिंदा कि जिस तरह ही वह बच्चा संगत नौजवान फेरी लगाण वाला घर गया, उसने अपना समान रखिया। जदों सुबह हुई, सुबह हुण सर उन्हें सोचा कि मैं अपना समान पूरा कर लवां। कहिंदे उन्हें मिर्चां पूरियां कीतियां, नमक पूरा कीता, हल्दी पूरी कीती, पर जदों उसने घ्यो वाली पीढ़ी खोलियां सत्संगी जनों, जिहड़ी कि कल संगत विच बिल्कुल खाली करके आया सी, अज वह लपा लप भरी पई सी। कहिंदे जदों लपा लप भरी तां उसनूं लग्या कि जिहड़ा मैं सत्संग विच जाके गुरु के बचन सुनदा ना, कि गुरु कहिंदा है काल खाए कि चहत्थों दे नानक राह पछाणे से, कि वह गुरु ने कृपा कर दी, बस उसे का ही फल है। कहिंदे सुबह सुबह कहिंदे पता की होया, वह नौजवान बच्चा संगत कहिंदे भाई भगतू जी के कोल पहुँच गया। जदों भाई भगतू जी के कोल पहुंचया, भाई भगतू जी कहिंदे की गल नौजवान, इन्नी बेअतबारी हो गई, इन्ना भी विश्वास नहीं सी कि तैनू पैसे मिल जाएंगे, तू सुबह सुबह पैसे लैन वास्ते आ गया। उस नौजवान बच्चे ने हाथ जोड़े कहिंदे नहीं भाई भगतू जी, मैनू कोई बेअतबारी नहीं हुई, मैं कोई बेसबरा नहीं हाँ, पर भाई भगतू जी मैं तो थोड़ा शुकराना करन वास्ते आया हाँ कि जेड़े कल तुसी हुक्म कीता सी ना घ्यो पा दे। कहिंदे वो राती जेड़ी कल दुपहरे पीपी खाली हुई सी, जदों सवेरे मैं उसनू भरन लगा, उसनू खोलिया तो लपा लप भरी हुई सी। मैं बेनती करा सिखा, तू भी गुरु के दर के उपर सेवावान जे कमाना है ना, तो गुरु नानक किन्ने क तेरे भंडार लपा लप भर दिता है, यदा अंदाजा आप नहीं ला सकते सत्संग जनों। हुण वह नौजवान बच्चा कहण लगा भाई भगतू जी एक कृपा करो कि मैनू ना हुण तुसी बस सतवें पातशाह कोल मेरी हाजिरी लगा दो, मैं उत्थे जाना चाहता हाँ। कहिंदे भाई भगतू जी उस नौजवान संगत बच्चे नूं लैके सतवें पातशाह दे कोल पहुंचे। कहिंदे जदों सतवें पातशाह नूं जाके मत्था टेकिया, सतवें पातशाह गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे भाई भगतू जी की गल, अज सुबह सुबह आ गए, ये बच्चे नूं भी नाल लियाए? वह कहण लगे सच्चे पातशाह यह बच्चा अगे भी आप जी के दर से आंदा, पर सच्चे पातशाह अज यह एक वक्री शरदा धारण करके आया है, अज ये अंदर होर ही चाह है। कहिंदे जदों यह बचन कहे ना, सतवें पातशाह ने संगत विच सारी वार्ता पूछी। जदों वार्ता पूछी, उस नौजवान बच्चे ने सारी घटना सुनाई। सतवें पातशाह कहिंदे तू कम की करदा? कहिंदा जी फेरी लगांदा हाँ। सतवें पातशाह कहिंदे चल अज तो बाद तू साडा फेरू सिख होया। इतिहास में उसका नाम फेरू सिख है सतसंगी नो। कहिंदे तू साडा फेरू सिख होया? कहिंदे फेरी भी लगाया कर, गुरु के लंगरां की सेवा भी करया कर। कहिंदे अखीर विच ना सतवें पातशाह ने थोड़े दिन बाद यह कह दिता कि भाई फेरू हुण तू कम धंधा छड़ दे, कहिंदे बस हुण तू गुरु के लंगरां की सेवा करया कर, अब सब तज करो। कहिंदे हुण सारा कुछ तज दे। कहिंदे अब सब तज, कहिंदे की कर? कहिंदे गुरुआं की सेवा कर। ते कहिंदे होर की कर? कहिंदे नाल सतनाम सिमरन करो दिन रात। कहिंदे सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करया कर। हुण कहिंदे जदों वह लंगर की सेवा विच लग गए ना सतसंगी जनों, गाथा कहिंदी एक दिन पता की होया कि जदों समा नहीं सी, अद्धी रात बतीत हुई, कुछ संगत आ गई लंगर दे विच। तां लंगर उदों वरत चुका सीगा, थोड़े जे बासे प्रसाद पए सन। संगत जदों आई, भाई फेरू जी नूं कहण लगी कि कृपा करो, भुखे हाँ, यात्रा चों आए हाँ, लंगर छकना है, वक्तों कुत्थे टाइम ते आए सन। मैं बेनती करा सतवें पातशाह दे बचना च यह भी गल कही सी कि जिहड़ों वक्तों कुत्थे नूं प्रसादा छकांदा है, कहिंदे वह मेरे मूँह दे विच बुरकियां पाउंदा है। सतवें पातशाह ने बचन कहे सन, वक्तों कुत्था पता की अदों है? जदों बिल्कुल लंगर बंद हो जाए, जदों चुल्हे की अग ठंडी हो जाए, जदों बर्तन मांझ के मुद्दे मार दिते जान, उदों कोई आवे उन्हों प्रशादा छकावे। तो सतवें पातशाह ने कहा सी जिहड़ा वक्तों कुत्थे नूं प्रशादा छकांदा है वह मेरे मूँह दे विच बुरकियां पाउंदा है। उस समय ते जदों संगत आई, भाई फेरू नूं कहा, भाई फेरू कहिंदा बैठ जाओ, थोड़े प्रशादे पए हन, बाकी एक दो सिखां नूं उठाया, कहिंदे लंगर तैयार कराया। भाई फेरू जी कहिंदे वक्तों कुत्थे संगत आई है, इन्हां लई परौंठे बनाओ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਕ ਲਏ ਬਾਸੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਪਰੌਂਠੇ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰੌਂਠੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਹੁਣ ਬਾਸੇ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਧਰ ਬਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਏਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਰੱਖੋ ਬਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਾਣਾ ਨਾ ਕਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੋ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧਕ ਬਣਦਾ। ਸਾਧਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸਿਸਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ 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 ਚੌਥੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਕੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਿਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵਸਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਲਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਈ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਲਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਰਥ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫੇਰੂ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਾਈ, ਦੂਜੀ ਪਾਈ ਮਾਲਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਕਿ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਗਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ।
ढोली पाए की जाओ छेवें पातशाह की वड्डे वड्डे मणकियां वाली माला पई है उत्थे। हुण जदों भाई फेरू की झोली च सतवें पातशाह ने बख्शिश पाई तो माला पाई सत्संग।